रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नाम डॉक्टर कैसर मकसूद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लेजर कैंपस। बेटा हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो डाइवर्सिटी में जो अभी हमारा करंट टॉपिक होगा दैट इज़ द इक्वेस्टम। ये इक्वेस्टेसी फैमिली का मेम्बर है एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड एंड मोस्ट कॉमन इन टेम्परेट रीजन एंड जनरली ग्रोज इन मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, ये वहाँ पे ग्रो करना पसंद करता है। और इसकी आलमोस्ट जो है 25 स्पीशीज जो है वो कॉमन है। इस इक्वेस्टम को बेटा हॉर्सटेल भी कहते हैं, और हॉर्सटेल क्यों कहते हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो हॉर्सटेल की तरह से, जिसकी वजह से इसको जो सिमिलैरिटी की वजह से इसे हॉर्सटेल का नाम भी दिया जाता है। इसका जो स्टेम होता है दैट इज़ स्पोरोफिटिक स्टेम में, और इसमें ये जो ब्रांचेस होती हैं ये दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। ये जो ये तरह इस तरह की ब्रांचेस नज़र आ रही हैं इनको कहते हैं ये जो है ये इनफर्टाइल या स्टीराइल ब्रांचेस हैं, और साथ ही ये वाली ब्रांचेस नज़र आ रही इनको कहते हैं ये फर्टाइल ब्रांचेस हैं, ये फर्टाइल शूट है। फर्टाइल शूट इस वजह से कहते हैं इनको कि इनके ऊपर जो है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रॉबेरी या कोन, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये होता है यहाँ पर लगा हुआ इसके। इसकी जो बॉडी होती है दैट इज़ दैट कंसिस्ट ऑफ द राइजोम, रूट्स, और रूट्स पे जो है वो ट्यूबर्स ग्रो किए हुए थे, और इसके साथ इसमें एरियल ब्रांचेज हैं या जो इसका वेजिटेटिव ऊपर वाला पार्ट है ये वाला कंसिस्ट करता है दो तरह के, ये फर्टाइल और ये स्टीराइल ब्रांचेज। इनमें जो फर्टाइल ब्रांचेज हैं इनके ऊपर कॉर्न और स्ट्रॉबेरी ग्रो करती है। इनकी जो दोनों तरह की ब्रांचेज होती हैं इनमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, यहाँ पे ये नोड्स नज़र आ रहे हैं और ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये इंटर नोड है, ये वाला दो नोड्स के दरमियान वाला पार्ट। ये जो इंटर नोड होते हैं इसके ऊपर ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, दीज लाइन्स आर रिजिज एंड ग्रूव्स, जिस तरह की ज़मीन के अंदर खेत के अंदर खेलियाँ बनी हुई होती हैं कॉटन ग्रो करने के लिए, उनको रिजिज कहते हैं, जो दरमियान में जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं फर्रो। इसी तरह से इसके ऊपर भी जो जो होता है वो पार्ट इसके जो होता है वो रिजिज और ग्रूव्स बने हुए होते हैं। तो ये नोड्स और इंटर नोड पे आपको ये वाली चीज़ नज़र आ रहा है। ये जो पार्ट इसका इंटर नोड है यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, इन लीव्स को कहते हैं ये स्केली लीव्स है, ये स्केल लीव्स होते हैं। जो ये वाली फर्टाइल ब्रांचेज होती हैं ये ब्राउन होती हैं, ब्राउनिश इन कलर होती हैं, जबकि ये जो दूसरी ब्रांचेज हैं जिनको स्टीराइल ब्रांचेज कहते हैं ये ग्रीन इन कलर होती है। ये जो फर्टाइल ब्रांचेज होती हैं इनके ऊपर लेटरल ब्रांचेज नहीं होती, ये देखें ये सब सामने आपको इरेक्ट नज़र आ रही है इसे, लेकिन जिसकी इनफर्टाइल ब्रांचेज होती हैं इनमें फर्दर लेटरल ब्रांचेज भी होती हैं, ये जैसे ये फर्दर ऐसे ब्रांचेज बनी हुई हैं। ये जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं ये नोड से निकलती हैं, ये वाला जो नोडल पार्ट है इसका। इसी तरह ये जो लीव्स होते हैं ये भी इसके नोड्स पे ही मौजूद होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोड पे ये इन्होंने इसको कवर किया होता है। लीफ जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, इसका जो जो स्टेम होता है ये जो ब्रांचेस का दूसरे वाले पार्ट का स्टीराइल ब्रांचेस का ये वाला ग्रीन होता है, और यही फोटोसिंथेसाइज करता है। इसका जो ये वाला पार्ट है राइजोम, इसके ऊपर भी नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, और ये जो नोड्स नोडल पार्ट है यहाँ से रूट्स डिवेल्प होती हैं, और यही रूट्स जो होते हैं इसका एंकरिंग का काम करती हैं, और वह यही जो है वो इसको जो है वो फूड और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, वही इसको विदस्टैंड या होल्ड रखती हैं। जी इसको टेक्स्ट में देखते हैं कि इसका ये जो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक कंसिस्टिंग ऑफ राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस हैं। ये जो राइजोम होता है हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड है और पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, इट गिव्स ऑफ एरियल ब्रांचेस, और यहाँ से इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, और लेटरल ब्रांचेज होते हैं वो भी नोड से निकलती हैं। रोल ऑफ स्मॉल ब्राउन लीव्स होते हैं, बताया कि ये ग्रीन कलर के नहीं होते, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ये हर नोड के ऊपर होते हैं। नोड का मतलब होता है जैसे गुच्छा है, गुच्छे नुमा होते हैं, तो जैसे ये गुच्छा है ये इस तरह से होते हैं। जो एरियल ब्रांचेज होते हैं वो ग्रीन होती हैं, और उनके ऊपर भी नोड्स और इंटर नोड होते हैं, और उनके ऊपर रिजिज और फरोज या ग्रूव्स बनी हुई होती हैं, जैसे आपको बता दिया कि जो कॉटन ग्रो करते हैं जैसे उसमें रिजिज और फरो होती हैं, मकई ग्रो करते हैं उसमें रिजिज और फरो, मतलब ये खेलियाँ बनी हुई होती हैं, जिस तरह इसके जो स्टेम होता है वो भी इसके ऊपर भी ऐसे रिजिज और ग्रूव्स बने हुए होते हैं। एरियल ब्रांचेज से लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, और ये लेटरल से फिर ब्रांचेज निकलती हैं, लेकिन ये सिर्फ जो होता है वो इनफर्टाइल जो होती है या स्टीराइल ब्रांचेज होती है उनके ऊपर ये होता है, फर्टाइल ब्रांचेज में ऐसा नहीं होता।
दो तरह की ब्रांचेज हैं, फर्टाइल जो होती है वो शॉर्ट भी होती हैं, इनके ऊपर लेटरल ब्रांचेज नहीं होती हैं और इनके ऊपर कॉन होती है, और ये जो है ये कॉन प्रोड्यूस करने के बाद ये डाई हो जाती है, जबकि जो दूसरी स्टीराइल ब्रांचेज होते हैं वो कंपेरेटिवली लॉन्ग होती हैं, ग्रीन इन कलर होती हैं, इनसे लेटरल ब्रांचेज भी निकलती हैं और इनके ऊपर कॉन नहीं होती और ये पूरा साल जो है वो परसिस्ट करती हैं। जो स्केल लीफ होते हैं वो होल ऑफ स्मॉल स्केल लीव्स एट द नोड ईच नोड एंड दे फॉर्म द शीट एट नोड एंड दे परफॉर्म वेरी लिटिल, क्योंकि ये जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं साइज। पर इसमें रूट्स होती हैं, फर्स्ट रूट जो होती है वो पहले प्राइमरी होती है और ये शॉर्ट लीव होती है, और फिर बाद में इससे जो एडवेंटिशियस रूट्स डिवेल्प होती हैं और ये सारी जो वो नोड्स ऑफ द राइजोम से डिवेल्प होती हैं, और इनका काम होता है एंकरिंग और मिनरल एब्जॉर्प्शन का। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस इकोसिस्टम, और जो नेक्स्ट टाइम इसकी जो है वो एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।